तो सो गाइस, स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर वाहेगुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर वाहेगुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सो गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है हीरो स्प्लेंडर, पैशन प्रो, स्प्लेंडर ऑल मॉडल और जितना भी 100 सीसी का हीरो कंपनी या होंडा का बाइक है। पहले हीरो होंडा आता था वो सब बाइक में, और अभी हीरो का भी कुछ स्प्लेंडर प्रो में आ रही है। तो सो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो 3 नंबर गियर क्यों छोड़ता है, 3 नंबर गियर अगर हम लोग ठीक करें तो कौन सा पिनियम हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा या रिपेयर करना पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहते और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो सो गाइस, ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट हम लोगों का चेकअप कर लीजिए, अगर इसमें खरोज आता है और दाग आता है तो चेंज करना चाहिए, बट मेरा शाफ्ट ठीक है। अब हम आपको बताते हैं जो इस शाफ्ट पर ये सब प्रीमियम रहता है। तो इस बाइक में 3 नंबर, तो इस बाइक में जैसे कि हम लोगों का 3 नंबर गियर छोड़ रहा था, खिड़की खिड़के कर रहा था। तो सो गाइस, हम आपको बताएंगे कौन सा प्रीमियम आप लोग चेंज करें। ये वाला जो पिनियम है इसको देख के आपको पता नहीं चलेगा जो पिनियम ख़राब है या सही है। अब आपको बताते हैं इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। तो यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोगों का स्लिप आ रहा है। तो ये सिस्टम हीरो बाइक में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जो ओल्ड मॉडल बाइक है और न्यू मॉडल बाइक है, इसका गियर सिस्टम बहुत ही ख़राब है। अगर थोड़ी सी भी खरोज आ जाता है तो बाइक का गियर हम लोग का छोड़ने लगता है। तो सो गाइस, किसका कारण छोड़ता है हम आपको बताते हैं। जो ए गियर का जो हम लोगों का चेंजर होता है, पिनियम होता है, ये भी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, बट बाइक में गियर का प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ देखिए, ये जो हम लोगों का चनिया होता है इसमें थोड़ा कटिंग ग्रुप जो है गोल हो चुकी है, तो ये हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह से अगर बाइक में जैसे 3 नंबर गियर पर रहे तो बाइक हम लोगों का कभी भी छोड़ेगा नहीं। तो जब भी इंजीनियर ने इसको कम्प्लीट किया था उन्होंने ठीक से महसूस नहीं किया, और बाइक में जैसे कि 3 नंबर गियर इस तरह से हम लोगों का चल रहा है, तो थोड़ा जैसे कि अटैच हो रहा है, थोड़ा अटैच हो रहा है। अगर इस तरह से अगर गियर सिस्टम अगर 3 नंबर दे तो इस तरह से अगर चलेगा तो बाइक को गियर नहीं छोड़ेगा, बट इसका सिस्टम इस तरह से किया है कि हल्का हल्का टार्चिंग हो रहा है, ज़्यादा नहीं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे चेंज कर देना पड़ेगा। कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा हम लोगों का स्लिप हुआ है मुँह, और हम लोगों का इसका कारण 3 नंबर गियर मिसिंग होता है। तो सो गाइस, ये 3 नंबर गियर का पिनियम काफ़ी सारे मैकेनिक लगाते हैं और उलट पलट चीज़ लगा देते हैं, तो किस तरह से हम लोग जांच करें जो कौन सा पिनियम कहाँ में लगाना चाहिए वो बताएंगे। और ये जो पिनियम है न्यू मॉडल स्प्लेंडर में, और जो जैसे बीच में एक स्प्लेंडर बाइक आया था उसका पिनियम अलग है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन हाँ दांत एक ही है लेकिन बड़ा है। तो आप लोगों को मार्किंग करना है किस तरह से वो मैं आपको बताता हूँ। तो सो गाइस, मैंने लाया है ये ओरिजिनल, जैसे कि 2 पिनियम है, और इस पिनियम का साथ देखिए, ये हमारा न्यू पिनियम है, ये ओल्ड पिनियम है। अब इसको इस तरह से बैठाइए और यहाँ देखिए, जैसे कि इसका साथ हम लोगों का सोदा सोदा आ रहा है कि नहीं, और सीधी तरह से कहीं छोटा बड़ा है कि नहीं। तो मैंने मैचिंग करके देख लिया है, एकदम 100% सेम है और एकदम परफेक्ट है। अगर आप लोग देखते हो कि न्यू माल जो लाया है वो थोड़ा बड़ा है, तो बाइक में इंजन का चेंबर जो आप फिट करेंगे ना, तो चेंबर फिटिंग नहीं होगा, अगर फिट भी गलती से हो जाता है तो चेंबर टूट जाएगा, तो ये चीज़ गौर कर लीजिए। तो चलिए, एक चीज़ आपको बताया, और इस चीज़ को भी आप लोग चेक कर लीजिए जो ओल्ड मॉडल और न्यू मॉडल में अलग होता है। तो आप लोग इसे भी दोनों तरफ से देख लीजिए छोटा बड़ा है कि नहीं। तो फिलहाल सब कुछ ठीक है, अब हम आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया, 3 नंबर गियर अगर मिसिंग करे तो ये दोनों पिनियम चेंज कर देना चाहिए। तो फिलहाल मैंने ये दोनों पिनियम चेंज कर दिया है और ये सब पिनियम हम अटैच करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से हम लोग अटैच करें, वॉशर कहाँ पे रखें। तो चलिए, शाफ्ट मैंने खोल लिया है और यहाँ एक वॉशर होता है और लॉक होता है करके, ये फिक्स्ड रहता है। अब आपको बताते हैं किस तरह से फिटिंग करें, यहाँ कोई भी वॉशर मत दीजिए। चलिए, हम इसे लगा दिया, ठीक है। अब हम इसमें अटैच करेंगे एक लॉक, तो चलिए लॉक को भी लगा देते हैं। इस तरह से हम लोगों को कुछ लॉक प्लस की ज़रूरत होता है, तभी हम लोगों को लॉक लगाने में सुविधाएँ होता है। तो चलो, लॉक हमने अटैच कर दिया है,
ठीक है गाइस, अब हम इसमें डालेंगे एक वाशर डाल दिया। अब हम ये न्यू वाला पिनियम को यहाँ अटैच करेंगे। तो हमने अटैच कर दिया, देखो यहाँ आराम से अटैच हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे एक वाशर डाल दिया। उसके बाद ये जो पिनियम है आप इस हिसाब से भी लगा सकते हैं, इस हिसाब से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलो इसमें लगा दिया और एक इसमें वाशर लगेगा। अब आते हैं उल्टे साइड पर। तो सो गाइस, यहाँ देखिए ये जो हम लोगों का कटिंग है इसको हमको नीचे रखना है और ये वाला कटिंग को ऊपर रखना है, और एक बूस होता है। तो चले इसे अटैच कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ एक जैसे कि लगा दिया। अब यहाँ एक वाशर देना पड़ेगा। तो वाशर अभी है नहीं, दुकान पे है, एक मैकेनिक ने मेरे पास लाया था कि गुरुजी ये मुझे गियर बॉक्स का पिनियम सेटिंग करके दे दीजिए और कौन सा पिनियम ख़राब है, 3 नंबर का क्यों छोड़ा है। तो मेरे पास लाया था, मैंने बताया दोनों पिनियम चेंज कर दीजिए, हो जाएगा। तो सो गाइस, इस पिनियम में मुझे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ मुझे देखना है जो यहाँ अगर ख़राब रहे तो, और ये पिनियम ख़राब रहे तो इसका कारण भी कभी कभी छोड़ता है तो, बट ये ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा पिनियम ख़राब होता है 3 नंबर गियर का, ये दोनों पिनियम। तो दोनों पिनियम मैंने नया लगा दिया है, ये वाशर एक देना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस, अब थोड़ा वाशर के बारे में इस फाइट भी बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर इंजन खोलते हो और वाशर आपका इधर उधर हो जाते हैं तो आप लोग अगर दिक्कत में गिर गया है तो किस तरह से सेटिंग करें। तो चलो इसे निकालते हैं और ये जो वाशर है वाशर भी निकालते हैं। अब आपको बताते हैं जो ये सबसे जो सैप का साथ पिनियम रहता है और इसमें कोई वाशर नहीं है, फिर हम डालेंगे ये वाला पिनियम और नीचे एक वाशर डालेंगे, डालने के बाद एक लॉक डालेंगे, ठीक है। और डालने के बाद कोई भी वाशर नहीं डालेंगे, इसको इनिशियल करेंगे, उसके बाद ये लॉक हम लोग लगा देंगे। लगाने के बाद इस वाशर को डालेंगे यहाँ और जैसे कि इस पिनियम को यहाँ अटैच कर देंगे। तो सो गाइस, हमारा गियर बॉक्स का पिनियम असेंबली हो चुकी है और इसी तरह से गियर बॉक्स का काम करते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोग को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। तो गाइस, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग किस तरह का वीडियो पाना चाहते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।